अच्छा सुबह से कुछ खाए भी नहीं आप, कुछ तो पी लो ना। ठीक है। हेलो। हाँ सर 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 वन मिनट सर, अभी जरा सर सीएम साहब का फोन। बोलो सीएम साहब, कैसे याद करे? याद तो मैं तुझे हमेशा ही करता हूँ, बस एक छोटा सा काम पड़ गया तेरे से। आपके लिए नहीं तो किसके लिए करूँगा सीएम साहब? वो अपने एरिया का सरपंच है ना, बहुत नाटका कर रहा उन्हें, कितनी बार वार्निंग दिया उसको फिर भी नहीं सुन रहा उन्हें। आपका काम हो जाएगा साहब। जरा देख के, उन्हें सीनियर सरपंच है, कुछ प्रॉब्लम। सर ये शेर एक बार पंजा मारता है ना, उसको हजम करके ही छोड़ता है। अब बेफिक्र रहिए, आपको डैड की कमी महसूस होने नहीं दूंगा। ठीक है सर। एमएलए साहब, अभी ठाकुर का मर्डर हो गया। सही बोल रहा तू, अभी रोड पे लाश देख के आ रहा हूँ सर। मैं सोचा था इसको और एक दिन जीने देंगे बोल के, पर इसकी किस्मत में आज ही मरना लिखा है। अब तो ऊपर वाला खुद इसको बचा नहीं सकता। इसकी मौत एक ऐसी मौत करूंगा, कोई अपने बंदे के ऊपर हाथ उठाने से पहले हजार बार सोचना पड़ेगा। भैया मैं थोड़ा शॉपिंग को जाके आती हूँ। आज नहीं, कल जाओ। नहीं, मेरे को आज ही जाना है भैया। हर बार छोटे बच्चों के जैसे जिद मत कर, अब तू छोटी बच्ची नहीं रही, तेरी उम्र हो गई शादी की। हर बार शादी शादी बोल के पीछे नको पड़ो मेरे। कई को नको पड़ो, कितने रिश्ते आए तेरे लिए, सब लोग तेरे को पसंद कर रहे और तू किसी को पसंद नहीं कर रही है। क्यों ना करूं? तुम लोग हमेशा मेरे लिए इतने दूर दूर के रिश्ते लाते, कभी दुबई के तो कभी अमेरिका के, मेरे को आप लोगों को छोड़ के नहीं जाना। अगली बार जो भी रिश्ता आया फिक्स कर दूंगा, तेरी पसंद नापसंद नहीं होना मेरे को। क्या जी तुम भी गाड़ी निकाल रहे। अरे सुन, तेरे भैया की बात का बुरा नक्को मान, और बात भी सही है, तेरी उम्र भी हो गई है शादी की। पर मुझे तुम लोगों को छोड़ के जाना नहीं है, मुझे किसी ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं करनी जो मुझे छोड़ कर जाए। मैं ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो मुझे गुंडों से बचाए। और अब आप प्लीज जाओ यहाँ से, पूरे मूड का सत्यानाश कर दिए। सैयद जाओ, उन दोनों बदमाशों को बुलाकर लेकर